गैंगरेप और छेड़छाड़ के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विवाहिता से गैंगरेप और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का आरोप। आरोपियों पर धर्म परिवर्तन करने को धमकाने का आरोप। रामपुर के भोर थाना क्षेत्र से विवाहिता से गैंगरेप और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पड़ोस के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों पर धर्म परिवर्तन करने को धमकाने का आरोप भी है। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस मामले में संदिग्धता नजर आ रही है, क्योंकि 29 मई की रात को ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जबकि 29 मई को मोहल्ले के तमाम लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला के विरुद्ध ज्ञापन दिया था, जिसमें महिला पर मोहल्ले में वेश्यावृत्ति करने का आरोप था। मोहल्ले के लोगों ने इस मामले में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देते हुए मोहल्ले का माहौल खराब करने और बच्चों के बिगड़ने का हवाला भी दिया था। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं धर्म परिवर्तन के आरोप पर भी पुलिस संदिग्धता से व्यक्त कर रही है, क्योंकि महिला द्वारा पहले पति लाखन की मौत के बाद मुस्लिम से निकाह करने की बात कही जा रही है, जिससे महिला के एक बेटा भी है। ऐसे में पुलिस इन सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। सर, थाना बोर्ड में एक महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया, क्या मामला है? भोर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ गैंगरेप का, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि 29/30 की रात को वो घर से बाहर थी और उसके घर पर उसके एक विवाहित लड़की और एक कुंवारी लड़की रुकी हुई थी। पड़ोसी चार लोगों ने उसके बेटी, जो विवाहित बेटी है, उसके साथ गैंगरेप किया और जो कुंवारी बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की। तो इनका मुकदमा लिख लिया गया है और मेडिकल करा दिया गया है। कल 164 के बयान कराए जाएंगे। अभी मामला ये संदिग्ध नज़र आ रहा है, इसलिए कि 29 तारीख को इसी महिला के मोहल्ले के तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर आए थे और उन्हें ज्ञापन दिया था कि ये महिला वेश्यावृत्ति कराती है और मोहल्ले का माहौल ख़राब कर रखा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनका ज्ञापन और ये सब जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसकी जांच भी की गई थी और ये 30 तारीख के अखबारों में इनका ज्ञापन और उन लोगों का फ़ोटो जो ज्ञापन देने आए थे वो छपा था। तो लग ये रहा कि उस ज्ञापन के बाद में जो है इस तरह की घटना है वो हुआ, लेकिन क्योंकि आरोप गंभीर है तो इस पर गंभीरता से विवेचना की जा रही है और उन दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है? चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कुछ धर्म परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं हैं? हम मौके पर जाकर ये देखा कि जहाँ पर ये महिला रह रही है, जो अपने आप को हिंदू बता रही है, ये पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, एक ही घर इसका है। तो लोगों ने बताया कि ये जिस पुरुष के साथ आई थी वो मुसलमान था और रामपुर का रहने वाला है, तो और इसने अपने आप को ये बुरका पहन कर आई थी, मुसलमान बताया था। और जो इसका बेटा है, जो है राजा, जो बताया जा रहा कि उस मुस्लिम युवक से निकाह के बाद जो पैदा हुआ था तो राजा का खतना भी हुआ था। तो धर्म परिवर्तन की बात भी संदिग्ध है। अब इसके पति की 1.5 साल पहले, जो लाखन पहला पति था, तब उसकी 1.5 साल पहले मृत्यु हुई है और जो मुस्लिम पति है इसका वो नहीं रहता है इसके साथ। तो हर बिंदु में जांच की जाएगी कि क्या मामला है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इस मामले में? प्रथम दृष्टया ये लग रहा कि जो 29 तारीख को जो इसके लोगों ने आकर वो दिया था, ज्ञापन दिया था इसके विरोध में कि माहौल ख़राब कर रही, तो उसी के प्रत्युत्तर में इसने इस तरह की बातें कही। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ही ये बातें हैं, अभी गहराई से इसकी विवेचना की जाएगी।